आज मेरा ट्रिप था, मैं जाने वाला था कहीं पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाऊँगा, तो ट्रिप तो वैसे कैंसिल हो गया। हे गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है 3 नवंबर, और जैसा कि आप सबको पता है कि आज मेरा ट्रिप था, मैं जाने वाला था कहीं पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाऊँगा, तो ट्रिप तो वैसे कैंसिल हो गया। अब मैं क्यों नहीं जा पाऊँगा, उसके बहुत सारे रीजन्स है गाइस। अब पहला रीज़न है, थोड़ा फैमिली प्रेशर है मेरा, थोड़ा काम अब मतलब अधूरा पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे काम हैं जो अभी नहीं हुए हैं, तो काफ़ी वो सब काम ख़त्म करके जाना पड़ेगा, ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। दूसरा रीज़न है गाइस, मेरा हेल्थ कुछ दिन से थोड़ा ख़राब चल रहा है, सर्दी ज़ुकाम हो गया था, कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो उस वजह से मतलब मैं अभी जाना ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो देखने वाला कोई नहीं है। मैं ट्रेन में अकेले सफ़र करने वाला हूँ, तो अगर बाई चांस तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस वजह से नहीं जा रहा हूँ। और तीसरी वजह जो है वो है वेदर। अभी वेदर उतना मतलब ठीक नहीं चल रहा है, वेदर जो है गाइस कुछ दिनों से मतलब सही नहीं हो रहा है, कभी धूप आ रहा है, कभी ठंड आ रही है, तो मतलब वेदर अभी सही नहीं चल रहा है। प्लस वहाँ पे बाहर जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे वेदर काफ़ी इंटेंस है, कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर यहाँ पे वेदर ठंड हो जाती है तो अच्छी होगी, मतलब मैं यूज़ टू हो जाऊँगा उस वेदर के। और आखिरी रीज़न है कि जो T20 वर्ल्ड कप जारी है, तो मैच मिस नहीं करना चाहता गाइस, वहाँ पे जाके तो काम धंधे में बिजी हो जाऊँगा। इंडिया को जिता के जाना है, क्यों ऐसे ही छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, इंडिया को जिता के जाएंगे, फाइनल में पहुँचा के जाएंगे। तो भाई इतना ही था, अब ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस आज बुरा लग रहा है कि आज जा नहीं पा रहा हूँ। बट गाइस टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारा ट्रिप कैंसिल नहीं हुआ है, जस्ट डिले हो गया है, तो अब 3 तारीख से चेंज होकर हो गया है 13 नवंबर को। तो 13 तारीख को हम जाने वाले हैं, टिकट विकेट सब काट लिया है, कन्फर्म हो गया है टिकट, और 13 तारीख को 3 बजे हमारी ट्रेन है, तो हम जाएंगे। तो ट्रिप में कोई वो नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं है, हम ट्रिप में ज़रूर जाएंगे 13 तारीख को, थोड़ा लेट हो गया है, बट सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो इस ट्रिप में गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम नए नए जगहों पे जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप को लेके, तो आप सबको भी दिखाऊंगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। और अपकमिंग ट्रिप्स और भी है, तो वीडियो में बने रहिए गाइस। और अभी शाम हो चुकी है, तो कुछ देर बाद हम निकलने वाले हैं, क्योंकि ये कल जो गेम हम नहीं ला पाए वो आज गेम लाने वाले हैं, तो अभी चाय पी लेते हैं, पी के फिर निकलेंगे। तो गाइस अभी गेम ले रहे हैं, मतलब IGI 1 एंड IGI 2, तो अभी प्राइस होता है 40-42 रुपीज़, तो स्पेन ड्राइव में ले लिया है गेम। अभी घर जाके उस PC में इंस्टॉल करना है, PC में इंस्टॉल करके फिर खेलेंगे। वैसे अभी तो घर जाके एडिटिंग करूँगा, फिर अगर टाइम मिला तो फिर खेलूँगा। वैसे रात को 11 बजे हम खेल सकते हैं गेम, थोड़ा टाइम रहता है 1 घंटा, तो देखते हैं, घर जाके डिसाइड करेंगे। गाइस अब चलते हैं घर, हो गया टाइम, 9 बज गए और अभी घर जाने का टाइम हो गया। तो गाइस अभी अभी घर पहुंचे और व्लॉग को एंड करेंगे थोड़ी देर में, बट एक न्यूज़ है आप सबके लिए, तो ये व्लॉग आप कल देख रहे होंगे, यानी कि 4 नवंबर को, और 4 नवंबर को है होली क्रॉस स्कूल में गोल्डन जुबली, बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है गाइस। होली क्रॉस स्कूल दुर्जयनगर में है अगर आप नहीं जानते, और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स आने वाले, पुराने नए जो भी है, करेंट पुराने, हम सब तो एक स्टूडेंट्स हो गए अब। 2015 में ही लास्ट हमने एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ से फिर निकल के और कभी गया नहीं होली क्रॉस, चांस नहीं मिला एक्चुअली, मतलब टाइम नहीं मिला वापस जाने का, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, कल हम सब मिलके जाएंगे, तो आप लोग भी जाइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं,
अगर आप होली क्रॉस से हैं तो ज़रूर जाइए, और ज़रूर जाइए, क्यों नहीं जाएंगे आप। होली क्रॉस स्कूल जो है, आई थिंक आई फील प्राउड व्हेन आई टॉक अबाउट होली क्रॉस स्कूल, क्योंकि होली क्रॉस स्कूल इज़ आई थिंक द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल स्कूल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा का सबसे बेस्ट और सबसे खूबसूरत स्कूल मैं कहूँगा, मतलब बहुत बढ़िया। वहाँ पे मतलब घुसते ही आपको लगेगा कि पता नहीं आप कहाँ आ गए, स्वर्ग में। बहुत बढ़िया, मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की यादें वहाँ पे अभी भी है गाइस। और कल जाने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, पुराने दोस्त मिलेंगे अपने, सीनियर जूनियर सारे, तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है कल का दिन। तो मिलेंगे कल। तो आज के लिए गाइस इस व्लॉग में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अबे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हट।